हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय गार्डन। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आइए आज मैं आपको धनिया, मूली और पालक तीनों को बोना बताती हूँ। देखिए, ये मूली का बीज है और ये है पालक का बीज और ये है हमारे पास धनिया। मूली, पालक और धनिया मैं आपको बोना बता रही हूँ। ये पालक के बीज पहले ले लीजिए आप। और ये प्लांटर मेरा तैयार है, इसमें आप उंगली के सहायता से हल्का हल्का गड्ढा करके बीजों को बो लीजिए। गड्ढा करके बीजों को बोने का फ़ायदा ये होता है कि बीजों को मॉइस्चर ज़्यादा मिलता है और इसकी जो उगने की दर है वो ज़्यादा हो जाती है। और इस तरह से बो करके आप इसको प्लेन कर दीजिए और जो बीज दिखाई दे रहे हैं उसको आप उंगली की सहायता से अंदर कर लीजिए। इसके बाद आप पूरे प्लांटर में पानी से सींच दीजिए जिससे कि बीज को मॉइस्चर मिलेगा। अब ये मूली का देखिए, प्लांटर मेरा तैयार है। ये थोड़ा गहरा है। मूली का बीज लेकर के इसको एक एक बीज आप दो दो इंच की दूरी पर जमीन मिट्टी के अंदर आप गाड़िए और इसको ज़्यादा नज़दीक नज़दीक बीज इसलिए नहीं बोया जाता है क्योंकि मूली को बढ़ने के लिए जगह चाहिए होता है। अब इसको प्लेन कर लीजिए आप। और प्लेन करने के बाद अब धनिया का बीज ले लीजिए। ये धनिया का बीज है। लोग धनिया को गीला करके बोते हैं लेकिन मैं इसको डायरेक्ट ही शो कर रही हूँ। देखिए, मैंने आपको मिट्टी में धनिया के बीज को फैला करके इसको हाथ की सहायता से मिट्टी के अंदर दबा दीजिए और दबाने के बाद जितने भी बीज आपको धनिया के दिखाई दे रहे हैं उसको अंदर कर लीजिए और पूरे पॉट में वाटरिंग कर लीजिए और तीनों डब्बों को आप छाया में रख दीजिए। अब देखिए, ये देखिए है। अब दोस्तों देखिए, एक हफ्ते बाद मेरा पालक कितना अच्छा उग गया है आपको दिखाई दे रहा होगा। मुझे बहुत खुशी हो रही है। और इसमें देखिए, मेरी मूली भी बहुत अच्छा उगा हुआ है, दो दो पत्तियों वाला। चूँकि धनिया एक हफ्ते में नहीं उग पाता है इसलिए मैं उसको नहीं दिखा रही हूँ। अब देखिए दोस्तों, दो वीक लेटर का ये वीडियो है आपका। मेरी मूली जो है दो दो तीन तीन पत्तियों को हो गई है और धनिया भी मेरा उग चुका है। धनिया की ग्रोथ थोड़ी कम है और पालक देखिए कितनी अच्छी हुई है। और 20 दिन बाद का ये मूली, पालक और धनिया का ग्रोथ आप देख सकते हैं। मेरा ग्रोथ बहुत अच्छा हुआ है। रेगुलर इसमें पानी देते रहिए। मूली, धनिया तीनों उग गया है। अब देखिए दोस्तों, एक महीना 25 से 30 दिन हो गया है और मेरी पालक जो है इतनी सुंदर पालक और मूली उग चुकी है और ये खाने के लिए तैयार है, हार्वेस्ट के लिए तैयार है। ये देखिए दोस्तों, धनिया कितना खूबसूरत लग रहा है और ये इतनी आसानी से उग चुका है। और ये हार्वेस्ट के लिए मेरा पालक तैयार हो चुका है। आप इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं और बिल्कुल बिना खर्च में आज मैंने पालक, धनिया, मूली तीनों आपको उगा के दिखा दिया है। आपके अमेजोन के डब्बे को पॉलीथीन से रैप करके मैंने बनाया है। देखिए, ये भी अमेजोन के डब्बे में है और इसको आप बना सकते हैं। इसका वीडियो मैंने अपने पहले मैंने बनाया है, आप जाके देख सकती हैं। आप धनिया देखिए, इसको काट भी सकती हैं और उखाड़ भी सकती हैं। ये देखिए कितना सुंदर धनिया हुआ है। आप लोग भी अपने छत पे इसी तरह से धनिया, मूली, पालक आसानी से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।